नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सुगण कुंवर। गीगा बेटा आंखें खोलो, आंखें खोल बेटा। वो कहाँ है? अरे कौन बेटा, यहाँ कोई नहीं है। देख मैं हूँ और उधर तेरा बापू सो रहा है। कोई बुरा सपना देख रहा था क्या? तू तो पसीना पसीना हो रहा है। वहाँ बहुत गर्मी थी, धू धू करके आग जल रही थी और उसमें वो तब तो सपना ही था। बेटा देख तू मेरा आंचल पकड़कर सो जा। सो जा बेटा। माँ वो लोग उसे जला रहे थे। माँ रोज रात को तुम माँ बेटे यही हंगामा मचाते हो। वो नींद में चिल्लाता है और तुम उसे जगाती हो और नींद मेरी खराब होती है। देखा तेरा बापू भी जाग गया। सो जा मेरे लाल, सो जा। हूँ देख मैं तो तेरे पास हूँ ना। सो जा बेटा सो जा। माँ तुम जाना नहीं माँ। अरे पगले मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त, तू चैन से सो जा। अच्छा माँ। सारा दिन खेत में हाड़ तोड़ता हूँ, अरे रात में तो चैन लेने दिया करो। हो नाराज क्यों होते हो, बच्चा है उसे सपने आते हैं तो इसमें वो क्या करे। जब से सुगन कुंवर सती हुई है तभी से चल रहा है तमाशा। अरे कोई रात ही जाती होगी जो इसे उसके सपने नहीं आते होंगे। एक बात है जी, उस दिन गांव भर में कैसा जोश था। हाँ, मुझे याद है जब रानी सुगन कुंवर जी पति की काया को लेकर चिता पर बैठी थी तो उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। अरे खाक तेज था, डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बेचारी तो सती होना ही नहीं चाहती थी। अरे हाय क्या कहते हो जी। तो और क्या, अरे गीगा के सामने की बात है, तभी से तो गीगा का यह हाल है। सच कहता हूँ हीर की, उस 17 साल की बच्ची को यूं जिंदा जलाना हत्या ही तो हुई। अय हाय तुम तो धर्म कर्म कुछ समझते ही नहीं, बस जो मुंह में आया कह देते हो। हाँ धन्य है वो माँ बाप, धन्य है जिन्होंने ऐसी सती कन्या जन्मी, कुल का नाम कर गई। इसमें कुल का कौन सा नाम हो गया, अरे कौन सी वीरता का काम कर गई। मैं कहता हूँ जो मर गया उसे क्या मालूम कि पीछे क्या हुआ, कौन रोया कौन मरा कौन जिया, सब बकवास है ये। कुल का नाम कर गई, अरे कुल का नाम क्या किया, कहो कि कुल को दाम दिला गई दाम। हाय हाय आज तुम्हें हो क्या गया है जी, ऐसा क्यों बोलते हो, दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी। आज सारा गांव उस खानदान की इज्जत कर रहा है, लोग रानी के चबूतरे पर जाते हैं,
सती को चूनर चढ़ाते हैं। हाँ, चूनर चढ़ाते हैं, चांदी के कतर चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और ये सब जाता कहाँ है? भान सिंह के घर ना? अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कुल को दाम दिला गई। अच्छा अच्छा बस करो, थोड़ी देर सो लो। अब क्या सोऊंगा, सवेरा होने में देर थोड़ी होगी। अभी देर है, सो जाओ। अरे अरे हरप्रसाद, अरे गीगा के बापू, अरे अरे गाड़ी किनारे करो भैया। हाँ, ये तो सो रहा है और बैल चले जा रहे हैं। अरे हरप्रसाद, अरे देख तो सही, तेरे बैल कहाँ जा रहे हैं? कौन? अच्छा अच्छा मास्टर जी आप हैं। राम राम। राम राम। अरे क्या बात है, गाड़ी में बैठे बैठे ऊँग रहे हो, रात सोए नहीं क्या? हाँ मास्टर जी, बस कुछ ऐसी ही बात थी। लो खेत तो आ ही गए। हरप्रसाद, कुछ हरे गेहूं तोड़ दो, घर ले जाने हैं। हाँ हाँ अभी लो मास्टर जी, आप ठहरे गीगा के गुरु, आप हुक्म करो तो कच्चे क्या पक्के गेहूं की बोरी आपके घर भिजवा दो। अरे नहीं नहीं बस मास्टर जी, मेरे गीगा को पढ़ा लिखा कर समझदार बना दो। हाँ गीगा बड़ा होनहार बच्चा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से अनमना सा हो गया है, न हंसता है न बोलता है, क्या बात है? घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? अजी घर में तो सब ठीक ही है, बस जब से सुगन कुंवर सती हुई है तभी से रोज रात को उसके सपने आते हैं, उसे चीखता चिल्लाता है, ना सोता है ना सोने देता है। अच्छा तो ये बात है। अब समझ में आया गीगा के मन को कैसी चोट लगी है। अरे उस दिन मैं गांव में नहीं था, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होने देता। अरे मास्टर जी आप अकेले क्या कर लेते, भान सिंह को मैंने समझाया, गजराज सिंह ने भी उसे समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। जब से लौटा हूं गांव का रंग ही बदला हुआ है, जिसे देखो सुगन कुंवर की ही बात करता है, लोग सती के चबूतरे पर जाकर पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, किसी को यह ख्याल ही नहीं आता कि उन्होंने एक लड़की की हत्या की है। अरे मास्टर जी मैं भी गीगा की माँ से यही तो कह रहा था, लेकिन हम ठहरे अनपढ़ गंवार, हमारी कौन सुनता है? सुनेंगे, सब सुनेंगे। अच्छा हरप्रसाद जी, अगर कल चार लोगों के बीच खड़े होकर गवाही देनी पड़े तो पीछे तो नहीं हटोगे? कैसी बात करते हो मास्टर जी, मैं अपनी कही बात से कभी पीछे नहीं हटता। ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूँ, स्कूल का समय हो रहा है। और वो कच्चे गेहूं? अरे स्कूल से लौटते हुए ले लूंगा। अच्छा मास्टर जी। तो तुम हो भान सिंह, तुम इन्हें सुगन कुमार को जलाया? क्या कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, सुगन कुमार ने खुद कहा था कि वो सती होना चाहती है। तुम्हें मालूम है कि सती प्रथा कानूनन अपराध है? ये सब मैं क्या जानू। इतने भोले ना बनो भान सिंह, क्या तुमने चिता नहीं बनवाई? क्या तुमने सुगन कुमार को चिता पर नहीं पहुंचाया? मास्टर भोलाराम तुम चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं। अधिकार है, इस गाँव के बच्चे बच्चे को ऐसे कुकर्म का विरोध करने का अधिकार है। गीगा बेटा तू बता क्या हुआ था उस दिन? वो सती नहीं होना चाहती थी, वो भान सिंह चाचा को इशारे से बुलाती रही, लेकिन इन्होंने उसे जला दिया। तो क्या इंस्पेक्टर साहब आप एक बच्चे की गवाही मानेंगे? मैं बच्चे का बाप हरप्रसाद भी गवाही देने को तैयार हूँ। इंस्पेक्टर साहब सुगन कुंवर को सजा धजा कर ऊंची चिता पर बिठाया गया था, वो बेचारी खुद तो उतर नहीं सकती थी, उसने बहुत हाथ जोड़े इशारा किया कि उसे नीचे उतार लो, लेकिन भान सिंह ने चिता में आग दे दी और उस बेचारी की चीख पुकार घंटे घड़ियाल और सती की जय जयकार के शोर में दब कर रह गई। मैं भी गवाही देता हूं इंस्पेक्टर साहब। गजराज सिंह साहब आप? गीगा ठीक कहता है इंस्पेक्टर साहब, सुगन कुंवर सती नहीं होना चाहती थी, मैंने भान सिंह से कहा, लेकिन इन्होंने ये कहकर मेरा मुंह बंद कर दिया कि वो इनकी कुलवधु है मेरी नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब सुगन कुंवर ने सबके सामने कहा था कि वो सती होना चाहती है, क्यों कहा था कि नहीं? मैं बताऊं इंस्पेक्टर साहब,
असल में क्या हुआ था? हाँ हाँ बताओ। तो सुनो, अरे सब ने मिलकर उसकी ऐसी हालत कर दी कि उसकी जीने की इच्छा ही मर गई। क्या मतलब? कोई बोली बड़े मनहूस कदम पड़े इसके पति को खा गई। किसी ने कहा अब तो तेरा जीना नरक हो गया, ना खाने की ना पहनने ओढ़ने की। कोई बोली अरे अब भागन के कोई आस औलाद भी तो नहीं जिसका मुंह देख कर जिए, अब तो सारी जिंदगी का रोना है। बस उसने कह दिया इससे तो मुझे मार डालो। तो ये किस्सा है भान सिंह, तुम्हारा पहला अपराध ये कि तुमने सुगन कुमार को सती होने से रोका नहीं, और दूसरा ये कि जब वो डर के चिल्लाने लगी तब तुमने उसे चिता से नीचे नहीं उतारा। बताओ क्यों? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूं कि भान सिंह ने ऐसा क्यों नहीं किया। सुगन कुमार के सती हो जाने से इन्हें फायदा था। फायदा? क्या बकते हो मास्टर? क्यों, क्या तुम्हें 17 साल की उस लड़की को आजीवन खाना कपड़ा नहीं देना पड़ता? फिर अगर वो जिंदा रहती तो उसके पति की जमीन पर उसका हक होता। उसके सती हो जाने पर जमीन भी तुम्हारे कब्जे में आ गई। सुगन कुंवर के सती हो जाने के बाद तुमने झट उस जमीन पर चबूतरा बनवा दिया जो असल में गांव की थी, जिससे उसे भी तुम हथिया लो। अनपढ़ अज्ञानी लोग उस पर चढ़ावा चढ़ाने लगे, यहां तक कि तुम उसकी राख को सत भस्म करके प्रसाद के रूप में बेचने लगे। बताओ बताओ सबको, ये सब चढ़ावा रुपया किसके पास आते रहे? तुम्हारे पास ही ना। ये सब झूठ है, ये मास्टर बिना बात मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अरे मैं पूछता हूँ सुगन कुमार तुम्हारी क्या लगती थी मास्टर जी? अरे वो मेरी ही नहीं इस पूरे गांव की बेटी थी, बहू थी। अगर मैं उस दिन गांव में होता तो उसे कभी ना जलने देता। लेकिन मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, आपने अपनी आंखों के सामने एक जीती जागती लड़की को कैसे जल जाने दिया? क्या आपके घर में बहू बेटियां नहीं है? क्या उसकी चीख पुकार सुनकर आपका दिल नहीं दहला? बोलिए। भान सिंह, मैं तुम्हें सुगन कुमार को सती करने के आरोप में गिरफ्तार करता हूँ, चलो। लेकिन वो खुद सती होना चाहती थी इंस्पेक्टर साहब। अब तुम्हें जो सफाई देनी है अदालत में देना, वही फैसला करेगी, चलो। गांव वालों, तुम्हें सती मां की सौगंध, सच कहो सुगन कुमार खुद सती होना चाहती थी ना? अब भान सिंह पर मुकदमा चलेगा, सजा भी हो सकती है। हो सकती है का क्या मतलब मास्टर जी? सजा तो हो के रहेगी। काकी ठीक कह रही है मास्टर जी, हम सब गांव वाले मिलकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भान सिंह को अपने किए की सजा नहीं मिल जाती। लेकिन सुगन कुंवर तो लौट के नहीं आएगी ना? काकी अब जो हो गया सो हो गया, आगे से नहीं होगा। हम सब प्रण करते हैं सती को सती नहीं होने देंगे, सती की पूजा भी नहीं करेंगे। सुगन कुंवर, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख रमा पांडे, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार वीना होरा, नीरज शर्मा, अभय भार्गव, बीएल टंडन, शारदा डिसोरस, बीआरएल सक्सेना, मंगत राम और यमन कौशिक, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, प्रस्तुति सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।